Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is RPJ and I hope you're fine. Welcome back in this beautiful morning, ठंडी foggy सुबह में मज़ेदार मौसम हुआ पड़ा है बाहर का, बहुत ही fog वाला. यहाँ पे इतना fog है तो main roads पे ना भरा हुआ होगा, तो आप लोग ध्यान से road पे चलें, गाड़ी bike ध्यान से चलाएं. सो हे गाइस, टुडे इज 14th January 2021 और आज बाहर का टेम्परेचर दिखा रहा है 9 degree Celsius. ये तो फोन में दिखा रहा है, एक्चुअल तो बाहर जाकर जब खड़े होते हैं ठंड में तब कुकड़ी जम जमती है ना, तब पता चलता है बाहर बहुत ज़्यादा फॉग है अच्छी खासी. तो जनवरी में होती फॉग है इतनी सारी, एंड मेरे हमें तो घर में बैठ के सोचते हैं ठंड है ही नहीं. हमारा घर ना मतलब फ्लोर्स के बीच में, मतलब हमारा सेकेंड फ्लोर है, सो ऊपर भी एक फ्लोर है, नीचे भी एक फ्लोर है, आजू बाजू भी बंद है, बंद इन द सेंस मतलब कवर्ड है, तो इतनी ठंड लगती नहीं. जब हम अपने पहले रेंटेड हाउस में थे इट वॉज टॉप फ्लोर और आजू बाजू चारों तरफ से खुला था, मतलब कोई बिल्डिंग भी नहीं थी, टॉप फ्लोर था, ऊपर से भी ठंड आती थी, साइड से भी आती थी. तो जो हमारा बेडरूम था ना वहाँ पर जब हम बैठे होते थे इतनी ठंड होती थी कि हमारे मुँह से जो फॉग निकल भाप निकलती ना वो दिखाई पड़ती थी उस कमरे में, इतना ठंडा होता था. और गर्मियों में वो भट्टी बन जाता था घर. सो ये फर्क होता है जब हम टॉप फ्लोर पे रहते हैं और जब हम बीच में फ्लैट्स में होते हैं. सुबह के अभी बज रहे हैं 9:05 एंड अभी जस्ट मेरी क्लास ख़त्म हुई है एंड आई एम फ्री फॉर सम टाइम, तो मैं इस बीच में अपना करूँगा वर्कआउट. सो लेट्स डू दी एक्सरसाइज. बाकी दोनों की क्लासेस चल रही हैं, मेरे को देखो दोनों के पास अपने कमरे हैं, मैं बैठा हूँ हॉल में ड्राइंग रूम में बैठ कर अपनी क्लासेस में. सही होता है भैया, ऐसे ही होता है. एनीवेज लेट्स स्टार्ट द वर्कआउट. बीच का जो टाइम है उसको यूटिलाइज करते हैं, फिर उसके बाद दोबारा क्लासेस करेंगे स्टार्ट. सो लेट्स मेजर द वेट फर्स्ट. आज कितना वेट है, कितने दिनों के बाद मैं चेक कर रहा हूँ, वैसे हफ्ते भर के बाद चेक कर रहा हूँ. 94.95 दिखा रहा है और अभी ये चेंज होगा, देखना. नाउ इट इज 93.5, 1 किलो कम. तो मेरे पास दो वेट्स के डंबल हैं, एक ये है, ये थोड़ा लाइट है, वो हैवी है, ज़्यादा हैवी नहीं, दिखने में बड़े बड़े दिख रहे हैं ये. आई थिंक 5-6 किलो के आसपास है और वो 10-11 किलो के आसपास है. तो इनका एक्चुअल वेट मैं मेजर करूँगा. ये भी बहुत पुराने डंबल्स हैं मेरे पास अभी तक रखे हुए, जो मैंने संभाल के रखे थे, ये अभी रिसेंट मंगाए थे मैंने. सो पहले इस डंबल का वेट देखते हैं. भाई साहब पकड़ने में बड़ा हैवी लग रहा है नहीं इतना वेट, लेकिन लेट्स चेक इट आउट. ये रुको तुम, ये है 6.7 kg, 7 किलो के आसपास. दोबारा से रख के देखूंगा एक बारी, सेम वेट 6.7 kg का ये हो गया हमारा, 6.5 किलो मान लो. और दूसरा है ये बड़ा वाला, इसका देखते हैं. तो ये है 11.75 kg, 11.5 किलो का मान लो, ऑलमोस्ट 12 किलो है ये, ऑलमोस्ट 7 किलो है ये, विच आई थिंक होम वर्कआउट के लिए इनफ है. इसी में अगर आप ज़्यादा रेपिटेशंस कर दो ना तो एकदम वो इम्पैक्ट आता है जो आप जिम में कर रहे हो विद हैवी वेट, आई बिलीव दैट. क्योंकि घर में आपको ना तो गेनिंग करनी है ना आपको लीनिंग करनी है, आपको घर में करनी है मेंटेनिंग. तो मेंटेनेंस में यही चलता है कि आपको जो मसल जो आपने बनाया है ना वो ख़त्म ना हो, वो बर्बाद ना जाए, तो उसको मेंटेन करने के लिए इतना वेट ठीक है. अगर ज़्यादा वेट है आपके पास बहुत ही बढ़िया वाली बात है. वो मैं सोच रखा है मैंने, तो धीरे धीरे जैसे अभी ये बना लिया थोड़ा बहुत, अब धीरे धीरे और बनाऊँगा प्लेट्स वाला सेटअप, पर ये घर में रखूँगा काम वो अलग देखना पड़ेगा. पर देखते धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो सेटअप करना ही पड़ेगा, बिकॉज आई लव ट्रेनिंग. और जब मेरे सामने वेट्स होते हैं तो वो मन करता है फिर करने का, तो जितना ज़्यादा होगा सामान उतना ज़्यादा हम फ्रीक्वेंटली करेंगे वर्कआउट. सो अभी तो करते हैं स्टार्ट. ये मेरी बेबी ऐसे कराटे देती है. Many hours later. तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं घर से बाहर निकला हूँ, मतलब सामान लेने भी. मैं नीचे तक ही उतरता था, हमारी घर की जो दुकान है वहीं तक,
पर आज मैं घर से थोड़ा बाहर जा रहा हूँ कुछ सामान लेने के लिए स्टेशनरी का, तो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम घर में ही बैठे बैठे। ऐसा सच कोई काम होता नहीं है, और होता है तो वो सारा ऑनलाइन हो जाता है, सब घर पे आ जाता है एंड निकलने का मौका नहीं मिलता, क्यों जबरदस्ती भी निकलना है इस समय ना। सो अभी तो जरूरत का सामान मतलब स्टेशनरी का सामान है जो लेना ही है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। ये शूज है जो कि मैंने गोवा से लिए थे आज से तो 2.5 साल पहले जब हम गोवा गए थे, साउथ गोवा, एंड इस पे मैं कुछ करने वाला हूँ क्योंकि इस पे जो है निशान आ गए हैं। तो आज ये भी निकल गया, इसका मतलब क्या है कि ठंड हो रही है बाहर, मैं अभी गया था तो अच्छी खासी ठंड है बाहर। तो मैं शूज को करने जा रहा हूँ पेंट, और मैं उसको पता है क्या बनाऊंगा, कैप्टन कैप्टन अमेरिका पूरा। अभी करूँगा मैं बैठ के, पहले अपना काम खत्म कर लूँ फिर मैं वो करूँगा, तो आप देखोगे शूज। इसे कहते हैं मैगी और इसे कहते हैं मंचाओ सूप वेज, तो अभी इसका कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ मैं अपने लिए, मैगी मंचाओ, नहीं मंचाओ मैगी, यस मंचाओ मैगी। और शाम के बज रहे हैं 7, ठंड के मजे लो यार, खाओ पियो ऐश करो मित्रों मित्रों। तो इट्स रिटन ऑन द मैगी दैट इट्स वॉच इट्स 2 मिनट नूडल्स, बट 2 मिनट में नहीं बनती, कुछ भी कर लो 2 मिनट में नहीं बनेगी, ठीक है वैसी जैसे आपको सुना बिल्कुल नहीं बनेगी, खड़ी खड़ी बनेगी, 2 मिनट से ज़्यादा होगा, ये अभी भी ऐसी है देखो। A few moments later. तो अभी साक्षी के अचानक से लोअर एब्डोमेन में दर्द होने लगा, और वी आर गोइंग टू द डॉक्टर उसको दिखाने के लिए। क्या हुआ? चलो क्या 15-20 मिनट में कह रही है, 15-20 मिनट में कहाँ से पहुँच पाएंगे हम यहाँ से? चलो बैठिए, 8 से 8 तक बैठती है, ऐसे जाऊंगी और क्या। चल सारी बातें आज ही बुलावा है क्या यार, अभी रुको ये भी कह रही है मेरी पहली है। हेलो ये मेरा मास्क पहन लिया तूने? हाँ अपने मास्क उतार उतार के रखो, मेरा पहन लो कर दो, वैसे भी हम तुम्हें लेके जा रहे हैं आज, किसी को लेके ना आए साथ में, कोई तैयारी नहीं है, कोई भी तैयारी ऐसी होती है हमारे साथ, कैसे हमारी इमरजेंसी वाली ज्यादा होती है, कोई तैयारी नहीं है। गाइस देखो हमें भी नहीं पता है, पहली है हमारी भाई, इसको दर्द क्या है कैसा हो रहा है क्यों हो रहा है अब पता नहीं कुछ, तो डॉक्टर ही बताएंगे हमें जा करके, जहाँ से हम दिखा रहे थे वहाँ नहीं जा रहे अभी, जो डॉक्टर पास में है उधर जा रहे हैं, क्योंकि उधर दूर जाना अभी है नहीं इतना जल्दी, और कुछ पता नहीं है ना, क्योंकि मैं गाड़ी को काफ़ी टाइम से ऑन करना भूल गया था, और गाड़ी अभी स्टार्ट नहीं हो रही थी, बट हो गई, ठंडी पड़ी थी ना गाड़ी काफ़ी दिन से। तो हम कह रहे थे कि हमें पता नहीं है अभी क्या सिचुएशन है, अंदर से क्या है वो डॉक्टर के पास जाके एक बार पता चलेगा, और जो है हम अगर वहाँ जाते जहाँ पर हम दिखा रहे तो वो बहुत दूर है, और जिनसे हम कॉन्टेक्ट करते हैं आंटी से उनका भी फ़ोन नहीं लग रहा है अभी, सो अभी तो हम पास वाले में जा रहे हैं जल्दी से। वो नहीं है तो कुछ तो हो रहा होगा ना, तभी तो दर्द हो रहा है, होते हैं कुछ प्रॉब्लम हो रही है, अंदर से पेशेंट जाएंगे चले जाएंगे ठीक है, सिर्फ पेशेंट जाएंगे। साक्षी भी अंदर है डॉक्टर के पास, और पता नहीं क्या चल रहा है क्योंकि डॉक्टर के पास सिर्फ 1 पर्सन इज अलाउड, ओनली द पेशेंट, सो अभी देखते हैं। अभी मेरे ख्याल से हार्ट बीट सुन रहे हैं अंदर, आवाज़ आ रही है ना माइक वाली। सो वी आर बैक फ्रॉम डॉक्टर, और डॉक्टर ने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है अभी ठीक है, बस मस्कुलर पेन है, वो क्यों, क्योंकि इसको खांसी हो रही थी इतने से खाऊं लगी पड़ रही थी, और क्या बोला है कुछ वाइटमिंस कम है, वाइटमिंस विटामिन डी लेना है, मतलब वंस लेते हैं ट्वाइस लेना है, एंड रेस्ट करना है, बस यही सब है, पर समय कम है, इसका मतलब आप लोगों को बहुत ही जल्द पता चल जाएगा, समय अभी भी नहीं पता बस कम है, ठीक है तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने जो जो काम करने थे वो सब रह गए आज के, मैंने सोचा शूज पे पेंट करूं वो भी रह गया, वो तो तुमने आज दोपहर से करना था वो ऐसे रखा फोन, समझाओ भाई थोड़ा समझाओ करो, ठीक है कल करूंगा फिर क्या कहते हैं, मेरे को वीडियो एडिट करनी है, तो आज का व्लॉग डालेंगे, हेलो वो करता हूँ। तो इसे कहते हैं सर्दी की जान सब्जियों में, आलू गाजर मटर की सब्जी, और यह बथुए के पराठे, और वहाँ हो रहा है शोर, टकाई टक लगी पड़ी है,
पागल। माय फेवरेट एंड एवरीवनस फेवरेट आलू गाजर मटर, किस किस के फेवरेट है कमेंट जरूर करना, बताना ठीक है, क्योंकि मेरे तो फेवरेट है सर्दियों में ये सब्जी, ना खाई तो सर्दी के मजे क्या है ना भाई। आलू गाजर मटर।